अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, डेढ़ दो माह पहले एक वाकया पेश आया जिसमें एक सर्विंग एसएसपी मुफाकर अदील ने साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और एक सीनियर वकील शहबाज तत्ला को कत्ल कर दिया। मेरे जहन में एक सवाल तब से कलबला रहा है, हम जब से बच्चा पैदा होता है उसकी एक ही तरह की हम परवरिश करते हैं। सबसे पहले परवरिश माँ की गोद में, माँ बाप के घर में, और फिर उसके बाद स्कूल में होती है, लेकिन लगातार एक ही तरह के उसको चीज़ें समझाने को दी जाती हैं। हमारी जितनी बुक्स हैं, जितनी किताबें हैं, वो इस चीज़ पे डिवेल्प करती हैं, इस चीज़ को प्रमोट करती हैं कि आईक्यू लेवल को हमने बढ़ाना है, आईक्यू लेवल को बढ़ाना है। आईक्यू लेवल जिसका अच्छा होगा वो दुनिया में एक्सेल करेगा, दुनिया में बड़ा आदमी बनेगा, वो बड़ा ब्यूरोक्रेट बनेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बड़ा साइंसदान बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा, और एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा जिसका आईक्यू लेवल बड़ा होगा। लेकिन क्या ये आपको वाकया इस चीज़ की निशानदेही नहीं करता कि हमें आईक्यू के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा परवरिश में तवज्जो देनी चाहिए? व्हाट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी? टू रिमेन काम एंड अंडर कंट्रोल इन एडवर्स सिचुएशंस, जहां पे आपके बेशुमार दबाव, आपको गुस्सा आए। ये रोज अदालतें भरी पड़ी हैं, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं गुस्से से किसी को धतकारा जा रहा है, किसी को किस पे गुस्सा आ रहा है, किसी को गुस्से में कत्ल हो जाता है या जुर्म हो जाता है। तो ये किस चीज की सारी निशानदेही है, ये किस चीज की तरफ बुनियाद फ्राहम करती है, किस चीज की तरफ पॉइंट आउट करती है? वो इस चीज की तरफ कि इमोशनल स्टेबिलिटी हमारे ना सिर्फ मुआशरे में नहीं है, बल्कि हम वो जो परवरिश बच्चों की करते हैं उनकी तरफ नहीं। एसएसपी मुफाकिर एक इंतहाई काबिल आदमी, तभी तो सिलेक्ट हुए ना, तभी तो एसएसपी के ओहदे तक पहुंचे। एक बात पे अनस्टेबल होके गुस्से में आके उन्होंने एक ऐसा एक्ट कर दिया जो कि आईक्यू लेवल की तो निशानदेही करता है, उनकी इस स्टेज पे पहुंचने की, एसएसपी के ओहदे तक पहुंचने की, कि उनका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा था, लेकिन उनका जो एक्ट किया उन्होंने वो इस चीज को जाहिर करता है कि इमोशनली ही वॉज ए अनस्टेबल मैन, इमोशनली ही वॉज नॉट स्टेबल। और स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? ये बचपन से आती है। और जितनी ये वारदातें अदालतों में भरी पड़ी हैं, रोज जुराइम की दास्तानें भरी पड़ी हैं, रोज अदालतें उनको सुनती हैं, रोज पनिशमेंट होती है, और कहाँ पे फर्क है? क्या हमारे मुआशरे में ओवरऑल कहाँ से फर्क आया, या हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी पर्सनैलिटी में कहाँ से फर्क आया? क्या हम इमोशनली स्टेबल नहीं रह सकते? इमोशनली स्टेबल होने के लिए आपको गुस्सा छोड़ के अंडर एडवर्स सिचुएशंस यू गॉट टू रिएक्ट इन ए वेरी कूल वे। और इसके लिए जितना भी आप, जिस तरह का भी आप अंदाज अख्तार, जिस तरह की भी परवरिश आप कर लें, जितना आप बच्चे अपने को स्टेबल होने के लिए तरबियत देंगे, आईक्यू तो आपको इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका सारा सिलेबस जो है, आपकी सारी जितनी प्रमोशन है बुक्स की, जितनी आपकी स्कूल की एजुकेशन है, वो सारी आईक्यू की तरफ और आईक्यू बढ़ाने की तरफ ही तवज्जो दे रही है। लेकिन इमोशनली स्टेबल होने की तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे। इमोशनली कैसे स्टेबल हुआ जाता है ये मैं बाद में बात करूँगा, अलहदा प्रोग्राम है, एक लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मैं इस चीज़ की ज़रूरत की निशानदेही कर रहा हूँ कि इमोशनली स्टेबल होना क्यों ज़रूरी है। हमें गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बैठे होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस बैठी होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, और जो यार्ड स्टिक पे हम दूसरों को देखना चाहते हैं, हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस सतह पे, इस जो हमारी यार्ड स्टिक है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, उस पर पूरा उतरेगा। हम दूसरे से जब दूसरी कोई उम्मीद लगाते हैं और वो पूरा नहीं उतरता, तो हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में तो इंसान जब आता है तो उसका नेगेटिव रिएक्टिव एक्शन जो होता है वो हमेशा अनस्टेबल होता है। और अगर आप उसी गुस्से को थोड़ा ज़रा ठंडा करके, लेट्स से उसको, इवन बाबा बुल्ले शाह ने ये कहा
कि गुस्से च ना आया कर, ठंडा करके खाया कर, दिन तेरे भी फिर जाएंगे, एवें ना घबराया कर। जो गुस्सा आता है हमारे अंदर, वो एक्सपेक्टेशंस आती कहाँ से है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं होता। जो माँ बाप समझाते हैं, पहले 5 साल की उम्र थी, अब उससे भी रिड्यूस हो के 4 साल की तरफ जा रही है, उससे पहले 7 साल की उम्र थी। ये इंटरनेट ने बहुत तेज़ी से बच्चों की डेवलपमेंट में असर अंदाज होना शुरू कर दिया है। इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिलती है, जो कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो मोबाइल से आपके इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसने बच्चों की पहुँच और उनकी एजुकेशन में बहुत तेज़ी ले आई है। और पहली जो गोद माँ की होती है और माँ बाप की जो परवरिश होती है, उसमें जो कुछ उसे सिखाया जाता है, क्योंकि उसकी स्लेट दिमाग की खाली होती है। लेट्स से एक अंग्रेज़ का बच्चा अंग्रेज़ी क्यों बोलता है, पंजाबी का बच्चा पंजाबी क्यों बोलता है, पठान का बच्चा पश्तो क्यों बोलता है, बलोची का बच्चा बलोची क्यों बोलता है? इसलिए कि वो जो कुछ सुनता है उसी पर उसने अमल करना है। और जो कुछ एक बच्चे को बताया जाता है छोटे होते हुए, लेट से एक 5 साल की उम्र तक के बच्चे को आपने कहा अल्लाह की तरफ चलो, तो वो उसी तरह उसके दिमाग में कॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें आपने बताई वो उस पर यकीन करते हुए उसके सब कॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाएंगी। एक बंदा हर वक्त जब नमाज का टाइम होता है तो क्यों नमाज की तरफ भागता है? एक स्मोकर जब स्मोकिंग का टाइम होता है, खाने के बाद ख़त्म होता है या स्मोकिंग का कुछ देर बाद, क्यों स्मोकिंग की तरफ भागता है? एक बंदा क्यों जो चोर का बच्चा है वो चोर ही क्यों रहता है, चोरी की तरफ ही क्यों भागता है? एक जिसके दिमाग में खराबी नहीं, जिसके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि स्मगलिंग या मुनाफकत या बुरी आदतें बुराई हैं, वो हमेशा उनकी एक्सेस उनको ढूंढेगा, उनको ढूंढेगा, उसका दिमाग उस तरफ लगा रहेगा। और जब आप कुछ चीज़ें उसके दिमाग में बिठाना चाहें तो जो चीज़ें बचपन में आपने उसको बताई उस पर हर बार 5 साल की उम्र तक बच्चा यकीन करता है कि जो माँ बाप ने कहा वो सच है, तभी तो मुसलमान का बच्चा मुसलमान है, क्रिश्चियन का बच्चा क्रिश्चियन है। वो सारी उम्र चलता है, वो उसे चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है ना, वो चेंज नहीं करना चाहता, उसने हर बार उसको सच जाना। लेकिन अगर आप उसको इमोशनल स्टेबिलिटी की तरबियत देंगे बचपन में, और फिर स्कूल में जैसे एक्सपोजर बढ़ता है, स्कूल में जाता है, उस असातज़ा से दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन होता है, असातज़ा उनको तालीम देते हैं, हमारे गो मैं मान लेता हूँ सिलेबस आई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ भी लाने की ज़रूरत है। और इन सिलेबाई को और इन तरबियत के अंदाज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें जहाँ पर आई क्यू को प्रमोट करना है उससे ज़्यादा तवज्जो इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ देनी है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, लेट से रिसर्च ये कहती है कि दे हैड एवरेज इंटेलिजेंस। को ज़रूरी नहीं है कि एक इंटेलिजेंट आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा आईक्यू हाई है वही ऊंचे दर्जे तक जाए, वही ऊंचे दर्जे तक पहुंचे, लेकिन एक इमोशनली स्टेबल आदमी जो अपनी स्टेबिलिटी कायम रखते हैं अंडर एडवर्स इमोशनल कंडीशंस, वो ठंडे दिलो दिमाग से सोच सकता है उसके प्रोज एंड कॉन्स कि किसी में अच्छाई क्या है, किसी में बुराई क्या है, मैं जो इस पर एक्शन लूँगा उसके रिजल्ट क्या आएगा, उसकी प्रॉपर एप्रिसिएशन करता है। उसका अंदाज ये होता है कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे इससे क्या नुकसान पहुँचेगा, अगर मेरा ये रिएक्शन होगा तो क्या अंदाज पहुँचेगा। इमोशन इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर हम उसको पॉजिटिव साइड पर ले जाएँ तो इट क्रिएट्स मिरेकल्स, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और अगर वो नेगेटिव की तरफ चली जाए तो ये वाकया तो आपके सामने है कि इज्जत भी गई, रुतबा भी गया, सब कुछ खाक में मिल गया और सजा तो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ तरफ के इशारा करती है कि हमें आईक्यू से ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बींग ए स्टेबल, लेट से किसी ने डिफाइन किया गुस्से को, किसी के फॉल्ट पे अपने आप को जो सजा देते हैं उसका नाम गुस्सा है। मतलब फॉल्ट किसी और का है, अगर फॉल्ट आपका था तो जाहिर है आपको गुस्सा नहीं आएगा, अगर फॉल्ट किसी और का था और आपकी उम्मीदों के अगेंस्ट तक तो आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्से में जब आप उलझेंगे तो ब्लड प्रेशर तो आपका बढ़ेगा ना, ब्रेन हैमरेज होने का तो आपको खतरा होगा ना, और जो आप रिएक्ट करेंगे गुस्से में करेंगे वो बगैर सोचे समझे करेंगे, बिकॉज इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। और जब गुस्से में रिएक्ट करेंगे
तो हमेशा उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, क्योंकि आपने उसकी दूसरी साइड द अदर साइड जो है उसके रिजल्ट्स पे आपने पूरा कॉन्शियसली उस पर एलेबोरेट नहीं किया होता, उसको कंक्लूड नहीं किया होता, उसकी अप्रिसिएशन नहीं की होती, उसका जायजा नहीं लिया होता। तो व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स, टीचर्स और मुआशरे के उन बड़ों से जो अरबाब इख्तियार हैं, उनसे कि हमें इन सारी तरबियत गाहों में बचपन से लेके जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके कॉलेज की सतह तक कम अज़ कम जब आदमी मैच्योर होने लगता है, लेट से 22-23 की एज तक जब आदमी मैच्योर होने लगता है उस तक सिर्फ एक चीज उसको अंदर कूट कूट के भरनी है एंड मोर देन एनीथिंग एल्स दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, टू रिमेन कूल अंडर एवरी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसको खामोशी से जायजा ले, गुस्से को दूर होने दे और अपने आप को गुस्सा ठंडा होने दे, लेट योर माइंड बी एबल टू थिंक ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द काउंटर रिएक्शन और द रिएक्शन यू आर गोइंग टू गिव। आप जो कुछ भी रिएक्ट करना चाहते हैं उस पर जो भी आप अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं उस पर आपका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उस पर आपको तरबियत चाहिए। और टू रिमेन स्टेबल वो एक ऐसी खसूसियत है, टू रिमेन स्टेबल अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो कि बहुत कम लोगों में पाई जाती है और हमारे मुआशरे में तो है ही नहीं, हमारे मुआशरे में तो बर्दाश्त है ही नहीं। बर्दाश्त की कहते हैं हद होती है, लेकिन अगर आप उसके बर्दाश्त करके उस पे सोच समझ के एड करें उसके प्रोज एंड क्रॉस को जानते हुए कि आपका रिएक्शन उसका क्या रिजल्ट लाएगा और काउंटर रिएक्शन उसका रिजल्ट क्या लाएगा, ला उस पे क्या कहता है और जो उसने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ गया उस पे क्या मुझे नुकसान आते हैं, और अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वंस यू आर स्टेबल देन यू हैव गॉट दिस कैपेबिलिटी टू रिएक्ट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन, और उसमें आप बेहतर अंदाज में दुनिया को फेस कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में मुआशरे को फेस कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में हर प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का भी वाकया हो आप उसको बेहतर अंदाज में उसका सलूशन दे सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेट है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक बहुत बड़ी इसकी हैसियत है जो आपकी तरबियत में चाहिए, जो हमारी तरबियत में चाहिए और जो माशरे की तरबियत में चाहिए, और सबसे ज़रूरी बच्चे की तरबियत इत्तदा से इस तरह होनी चाहिए कि बिसाइड आईक्यू वी शुड आल्सो प्रमोट ईक्यू लेवल, दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी लेवल अंडर एनी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टू नॉट टू बी इमोशनल, टू नॉट टू रिएक्ट विदाउट थिंकिंग। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।